तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोको M2 डिवाइस में MIUI 13.0.2.0 वर्जन का अपडेट 5 अगस्त को देखने के लिए मिला था। एंड गाइस यहां पे काफ़ी लंबा टाइम हो गया है लेकिन अभी तक सभी यूजर्स को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। गाइस अभी भी पायलट यूजर्स को ही अपडेट MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का रन कर रहा है। सो गाइस पोको M2 डिवाइस के जो यूजर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि सभी पोको M2 डिवाइस के यूजर्स को MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस हम इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि आप अपडेट को कैसे इंस्टॉल करेंगे कि आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए ना मिले। सो गाइस अगर आप भी हैं पोको M2 डिवाइस के यूजर्स तो यार वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार पोको M2 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का अपडेट 5 अगस्त को मिलना स्टार्ट हो गया था लेकिन गाइस वो अपडेट पायलट यूजर्स को देखने के लिए मिला था। एंड गाइस जिस अपडेट का वर्जन था MIUI 13.0.2.0 का, ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 2.6 GB का देखने के लिए मिल गया था लेकिन गाइस अभी तक ना सभी यूजर्स को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। एंड गाइस काफ़ी लंबा टाइम हो गया यार, अभी तक तो सभी पोको M2 डिवाइस के यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो देखो यार हो सकता है कि किसी यूजर्स को ये बग एंड इशू देखने के लिए मिल गया होगा ये अपडेट में, क्योंकि यार आप लोगों को मालूम होगा कि पायलट यूजर्स को जो अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है वो गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए ही अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए मिल जाता है तो यार उसके बाद अपडेट को उसी जगह स्टेक कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से अपडेट में जो बग एंड इशू होता है उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद फिर से अपडेट को प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन यार कुछ पोको M2 डिवाइस के यूजर्स हैं जो कि पायलट यूजर्स हैं जो कि कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि उन्हें कुछ मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिला है। तो हो सकता है कि कुछ यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला होगा एंड कुछ यूजर्स को देखने के लिए मिल गया होगा बग, तो गाइस इसी वजह से अपडेट को रोक दिया गया है। तो गाइस देखो आप ही सोचो कि अगर अपडेट में कोई भी मेजर बग या इशू नहीं होता तो यार अपडेट को सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाता है, लेकिन अगर अपडेट को रोक के रखा गया तो इसका मतलब कोई भी बग एंड इशू है। लेकिन यार जितना दिन हो गया है पायलट यूजर्स को अपडेट मिले हुए, अगर बग एंड इशू था तो उस बग एंड इशू को फिक्स करने के बाद अपडेट को फिर से यार रोल आउट करना चाहिए, लेकिन अभी तक अपडेट रोल आउट नहीं हुआ। यार यूजर्स पूछ रहे हैं कि अपडेट आखिरकार कब तक देखने के लिए मिलेगा। देखो यार अब हो सकता है कि आप लोग कोई पोको M2 डिवाइस में जो नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है तो गाइस उस अपडेट के साथ में हो सकता है कि पोको M2 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने के लिए मिल सकता है जिन यूजर्स को अभी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। वैसे यार अभी तो पायलट यूजर्स को ही अपडेट देखने के लिए मिला है, अभी मोस्टली यूजर्स बचे हुए हैं जिन्हें MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने के लिए मिलना है। सो गाइस आप यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लो, आप लोग को थोड़े दिन बाद अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में कि यार अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो हो सकता है कि यार आप लोग को ना नवंबर महीना में आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, मिड नवंबर तक। सो गाइस इसी वजह से थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। वैसे यार पोको M2 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का अपडेट फिर से मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।